Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. और आज हम गए थे हलवा पूरी खाने के लिए नाइट स्वीट पे, और इनकी थाली वाली हलवा पूरी बहुत ज़्यादा मशहूर है और इनकी बेकरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनके केक्स और मिठाई भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ख़ास तौर पे इनकी हलवा पूरी, उनकी बेकरी की भी सारी चीज़ें मज़ेदार अच्छी हैं। ये इनके रस हैं और दूसरे वाले रस ब्रेड, और इन्होंने सिटिंग का भी काफ़ी अच्छा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप बैठ के आराम से हलवा पूरी खा सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। तो हमने ऑर्डर की थी एक थाली वाली प्लेट वाली हलवा पूरी, जिसमें होते हैं चने, चिकन हलवा, जैम और रशियन सैलड, आलू और दो ये होती हैं हलवा पूरी, और साथ लस्सी। अगर आपने नमकीन लस्सी लेनी है तो वो इसके साथ मिलेगी, तो अगर आपने मीठी लेनी है तो वो आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो फिर हमने ये ऑर्डर की थी ये मीठी वाली, क्योंकि मुझे नमकीन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और योगर्ट भी है और अचार भी है, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, गरम गरम आती हैं और आपका दिल करता है कि आप सारे खा जाओ, लेकिन जो ज़्यादा खाने वाले वो खा जाते हैं। मुझसे इतनी खाई नहीं गई, मैंने सिर्फ थोड़ी सी खाई थी और लस्सी पी ली थी, और ये बहुत ज़्यादा यमी थी। देखिए मुझे हलवा पूरी इतनी ज़्यादा मैं खा नहीं सकती। लस्सी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यमी था, और उसके ऊपर कितनी ज़्यादा मलाई है, लेकिन मलाई मुझे पसंद नहीं है। और अब था इनकी चाय का टाइम। देखिए ये चाय कितनी ज़्यादा टेस्टी है, उसके ऊपर इन्होंने मलाई डाली, और ये भी इतनी रीज़नेबल प्राइस में 50 रुपीस में आपको मिल जाती है, और इनकी हलवा पूरी 250 की है और लस्सी आई थिंक 130 की थी, और मुझे और ठंडी लस्सी चाहिए थी इसलिए मैंने इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर ली थी। फिर रात को हम गए हुए थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि कैंट में एक नई शॉप खुली है एडिव में, यहाँ पे बहुत यम्मी ब्राउनी आइसक्रीम और डिफरेंट फ्लेवर है वो आइसक्रीम मिलती है।
स्वीट क्रीम के नाम से ये आइसक्रीम है, और ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी थी।